नमस्कार दोस्तों, मेरा अगला विषय है तीन प्रकार के कर्म। पहला प्रकार है दृढ़ कर्म, दूसरा है अदृढ़ कर्म और तीसरा है मिक्स्ड। बहुत से लोग संचित, प्रारब्ध और आगामी कर्म बोलते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। संचित यानी पूरा बैग ऑफ कर्मा, जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है, कई जन्मों का कर्म है। फिर होता है प्रारब्ध, जो तीर छूटने वाली है, मतलब छूट चुकी है, बस 1 इंच छूट चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो संचित और प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकते। फिर आगामी जो आप करने वाले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दृढ़, अदृढ़ और मिक्स्ड। सो दृढ़ कर्म वो है जो ज्योतिष में पढ़ाया जाता है, वैसा कर्म है जो आप सोल लेवल पे है, आत्मा लेवल पे है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, मतलब जिसको अनुभव ही करना पड़ेगा। अदृढ़ कर्म ऐसा है जो आप गुड अंडरस्टैंडिंग से, सेवा से, लोगों की मदद से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, इजीली ओवरकम। मरने से भी वो कर्म ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। जैसे कि कोई पेन है, आप कोई कैंसर है, मर गए तो क्या कैंसर, वो तो बॉडीली पेन है, बॉडीली का डायबिटीज़ है, बीपी है। तो बहुत सारे लोग इधर ही कंफ्यूज होते हैं, ये सोचते हैं कि बॉडी कर्म दृढ़ है, बॉडी कर्म दृढ़ नहीं है। बॉडी का जो कर्म होता है वो अदृढ़ होता है, यही कन्फ्यूशन मिटाने के लिए मैं आया। मतलब अगर किसी का पैर वैर टूट गया और या किसी को डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, भयानक एड्स वेड्स हो गया, वो दृढ़ कर्म नहीं है, वो अदृढ़ कर्म है, क्योंकि वो बॉडी का कर्म है। सोल का कर्म बहुत ही भयानक होता है। सोल का कर्म को ओवरकम करने के लिए सिर्फ अनुभव ही करना पड़ता है। अनुभव इन द सेंस, मान लीजिए आपने किसी को गलत रास्ता दिखाया और उस गलत रास्ते के वजह से वो जाके उसका बहुत ही बुरा हुआ, तो वो सोल लेवल पे जाके अटैच हो जाता है आपको, एक पैरासाइट की तरह। और उस पैरासाइट से बचने के लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा, नॉट ओनली दैट, आपको सही रास्ता भी दिखाना पड़ेगा लोगों को। तो आपने किसी से पैसा मांग के आपने उसको बोला कि इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, हाँ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, और उसका लाखों का नुकसान हो जाता है, तो क्या होगा कि आपको उस कर्मा को ओवरकम करने के लिए एक तो सफरिंग तो होगा ही, पेनेंस होगा, लेकिन आपको अगली बार सही रास्ता दिखाना पड़ेगा लोगों को। और जब तक आप सही अंडरस्टैंडिंग से सही काम नहीं करोगे, तब तक उस दृढ़ कर्म को आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। और ये सोल लेवल पे अटैच होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आप एस्ट्रल वर्ल्ड्स में करते हो, धरती पे नहीं करते हो, यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड में, जैसे कि अभी ये शैतान, लूसीफर, ये सब एस्ट्रल वर्ल्ड्स में पाप कर रहे हैं। पहला बात, वो भगवान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात, इस गंदे से दुनिया को बनाया। तीसरी बात, लोगों को ट्रैप किया। ऐसा कर्म है जो सोल लेवल पे है, उनका शायद, आई डोंट नो इफ दे कैन एवर गेट मुक्ति। तो पनीला भी वही बोलता है कि उनको मुक्ति शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो सचमुच में उनका दिल में अगर रिपेंटेंस होगा तो शायद उनको चांस मिलेगा, बट वी डोंट नो, क्योंकि वो बहुत ही डिरेंज्ड हो चुके हैं। तो ऐसा है। और तीसरा टाइप ऑफ कर्म है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड है, थोड़ा दृढ़ है, थोड़ा अदृढ़ है। जो कुछ लोग मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, तंत्र करते हैं, लोगों की मदद करते हैं,
तो उससे क्या होता है कि वो मिक्स्ड वाला कर्मा भी ये हो जाता है। सो सबसे इजी अदृढ़ कर्म है जो ओवरकम करना, बॉडी का कर्म है वो। फिर माइंड लेवल कर्म है मिक्स्ड, और फिर सोल लेवल कर्म है दृढ़। तो बॉडीली कर्मा, बॉडीली सफरिंग को आप कभी भी दृढ़ कर्मा मत सोचिए। ये अंडरस्टैंडिंग में मैं भी था, लेकिन पनेला का पुस्तक मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया कि बॉडी कर्मा जो है, बॉडी सफरिंग जो है, वो एक्चुअली वो अदृढ़ है, एक टाइप ऑफ अदृढ़ है, या मिक्स्ड बोल सकते हैं। दृढ़ यानी सोल लेवल पे अटैच होता है, जैसे ज्योतिषियों को होता है, कंसल्टेंट्स को होता है, गुरुओं को होता है, इन लोगों को होता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को गलत रास्ते पे जाने बोलते हैं। अब इंडिया में देखिए कितने ज्योतिषी हैं, वो पैसा लेके भी गलत बात बोलते हैं। प्रिडिक्शन हो ना हो वो बात अलग है, मतलब मैं ठीक से प्रिडिक्शन नहीं कर पाया वो तो वो बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि आगे क्या होगा किसको पता, कितना भी कैलकुलेशन कर लो कभी कभी गलत हो जाता है, वो बात नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को बेकार का एडवाइस देते हो, जाओ तुम ब्लैक मैजिक करो, ये करो वो करो, ऐसे जब ज्योतिषी बोलते हैं जाओ तुम मोती का हार पहन लो 50,000 का, ऐसा टाइप का जब बैड रेमेडीज़ बोलते हैं, तो वो एक टाइप का बहुत ही बुरा कर्म हो जाता है। हाँ मैं तुमसे पैसा लूँगा और तुम्हारा काम कर दूँगा, ऐसा जब ज्योतिषी करते हैं, वो ज्योतिषी और ब्लैक मैजिशियन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा तब। तो इंडिया में तो वैसे भी सब ज्योतिष के पीछे पागल रहते हैं, और ये ह्यूमन वीकनेस है, उसको जानना है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो सभी जाते हैं ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, भेजा दरूवाला के पास, और वो सब गलत रास्ता दिखाते हैं। भेजा दरूवाला नहीं, मतलब ज्योतिषी। अब भेजा दरूवाला को बेचारे को क्या पता, उसको तो सिर्फ इंट्यूशन है, इंट्यूशन में बोलता रहता है, तो उसके खिलाफ़ तो मेरा कुछ नहीं है, अच्छा आदमी है, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो दृढ़ अदृढ़ और मिक्स्ड कर्मा का ये छोटा सा वीडियो, धन्यवाद।